नीट के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी किया है। 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी, यानी कि कुछ भी नया अपडेट इसमें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस मामले में काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ नीट के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी भी किया है। याचिकाओं पर यह नोटिस जारी किया गया है, एनटीए से जवाब मांगा गया है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में। आज इस मामले को लेकर जो दोबारा से सुनवाई की अपील की गई थी, सुनवाई हुई है। हालांकि कोर्ट ने एक बार फिर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि नीट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस परीक्षा को रद्द करके ग्रेस मार्किंग परीक्षा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाने के लिए अपील की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए से इससे जवाब लिया जाएगा, लेकिन काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। यदि गड़बड़ी पाई जाती है और छात्र भी इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं, वो छात्र जिनका काउंसलिंग के बाद सिलेक्शन हो जाता है, उन्हें भी दोबारा से परीक्षा देनी पड़ सकती है, उसे रद्द किया जा सकता है, लेकिन अभी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी।